हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इन लव। कौन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, आपकी लव लाइफ में? ठीक है, आपके सामने तीन ग्रुप हैं, लाइक थ्री। यहाँ पे आपके सामने मैंने क्या बोलेंगे इनको, लाइक थ्री आपके सामने जो है ना ग्रुप हैं, ठीक है। इट्स अ फीदर, इट्स अ स्कल एंड इट्स अ की। आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको ज़्यादा अपनी तरफ यू नो खींच रहा है, इसमें से जो भी कोई, चाहे फीदर है, स्कल है या फिर की है, आप वो चूज़ कर सकते हो। बट जिन लोगों को इनको चूज़ करने में प्रॉब्लम होता है, वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप वन है 1 to 10, ग्रुप टू 11 to 20 एंड ग्रुप थ्री 21 to 31। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा, वहाँ पे डिटेल भी आगे सामने मेंशन होगी कौन सा डेट ऑफ बर्थ कौन से ग्रुप के लिए है, ठीक है। बट आप इन इसके अकॉर्डिंगली चूज करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। बट अगर आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है आप चूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो लोग चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। एंड मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग पे। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। या सो लेट्स सी। हेलो ग्रुप नंबर वन। सो गाइज, जिन्होंने ये चार्म चूज़ किया है, इट्स अ फीदर। यस, सो लेट्स सी, देख लेते हैं कौन आ रहा है आप लोगों के लव लाइफ में। जिन्होंने ये चूज़ किया, डेफिनेटली आई थिंक आप लोगों के इस कनेक्शन में एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। इट्स अ फीदर, हो सकता है आपको फीदर दिखाई भी देख सकता है। यस, सो लेट्स सी, देख लेते हैं कौन आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। कार्ड मैंने ऑलरेडी पाइल्स बनाई हुई हैं, शफल की हुई हैं फॉर टाइम सेविंग्स। सो लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ से देखेंगे। इट्स माय न्यू टैरो डेक, इट्स अ एस्ट्रोलॉजी डेक। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कुछ। वी हैव जेमिनाई, क्यूरियोसिटी, इंटेलेक्ट एंड नेटवर्किंग। ये पर्सन का स्टार साइन जेमिनाई हो सकता है। यस, एंड आई फील लाइक गाइज, ये पर्सन किसी तरह से कोई कम्युनिकेशन फील्ड से है, नेटवर्किंग फील्ड से हो सकता है। लाइक ये पर्सन हो सकता है सोशल मीडिया पे कोई काम करता हो, या फिर ऑनलाइन कोई नेटवर्किंग ये करता हो ये पर्सन प्रोफेशन। एंड इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनी है, तो डेफिनेटली जेमिनी जो है वो रूल बाय मर्करी। मर्करी इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ये पर्सन जर्नलिस्ट हो सकता है, या फिर न्यूज़ एंकर हो सकता है, किसी तरह का कोई प्रोग्राम का होस्ट हो सकता है। एंड ये पर्सन लॉ की फील्ड से भी हो सकता है, लाइक या फिर पॉलिटिशियन हो सकता है, या फिर किसी तरह से, या तो इस पर्सन ने पॉलिटिक्स मास्टर किया होगा, या फिर पॉलिटिक्स में हो सकता है ये पर्सन। ये एनर्जी भी दिख रही है, बट इनकी नेचर जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्ट है, लाइक बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है इस पर्सन की स्किल्स। यस, एंड इस पर्सन का थ्रोट चक्रा काफ़ी ओपन दिख रहा है मुझे। नेटवर्किंग फील्ड भी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, या फिर हो सकता है ये पर्सन को बहुत सारे लोग जानते हैं। नेटवर्किंग इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ह्यूज हो सकती है, एक बिग लेवल पे हो सकता है ये पर्सन वर्क करता हो। नाउ लेट्स सी, इट्स अ बटरफ्लाइज, तो हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस को पसंद करता है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, चेंज करते रहते हैं, अपना प्रोफेशन चेंज करते रहते हैं। यस, लेट्स सी मोर। वी हैव प्लूटो, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ स्कॉर्पियो। इस पर्सन का स्टार साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, या फिर डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे प्लूटो की एनर्जी। ट्रांसफॉर्म मुझे लगता है इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बटरफ्लाई से बताया कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं या चेंज होते रहते हैं, तो प्रोफेशन भी हो सकता है ये चेंज करते रहते हो, या फिर हो सकता है आपको मिलने से पहले इनकी लाइफ में बहुत बिग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन गुजरा होगा। सर ट्रांसफॉर्मेशन, प्लूटो, प्लूटो जिनके चार्ट में बहुत ज़्यादा हैवी होता है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कोई ईजी नहीं होती, उनको बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखने पड़ते हैं, और उनकी सारी लाइफ में छोटे 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 ट्रांसफॉर्मेशन भी चलते रहते हैं। कुछ लोगों के तो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्म होते हैं कि उनको समझ नहीं आती क्या हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में लेसन सिखाने आता है, चीज़ें बहुत सारी उनको खोनी भी पड़ती हैं, और ऑब्वियसली खोगे तो आपको कुछ नया मिलेगा ना, तो ऐसी है ट्रांसफॉर्मेशन है डेफिनेटली। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज करने वाले हैं खुद को, एंड लगता है काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते रहते हैं अपने आप को। हो सकता है ये पर्सन अपना कोई हेयर कट या फिर ड्रेसिंग अपनी चेंज करते रहते हैं, ये भी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। नाउ लेट्स सी मोर, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। वी हैव एंकर 35, इस पर्सन की एज 35 हो सकती है। 8, 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वर्क प्रोफेशन, सेटलिंग डाउन, ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी, लॉन्ग लास्टिंग। यस, हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं, बट इट्स एंकर एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल
वे में हो सकता है वर्क करता हो, या फिर आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग इस पर्सन को थ्रू प्रोफेशन थ्रू वर्क भी मिल सकते हो, बट ये जो भी पर्सन है लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन रखने वाला है आपके साथ, ये इनका कनेक्शन लॉन्ग लास्ट चलेगा और आपकी लाइफ में इनकी इनके आने से काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो जाएगी। मतलब जो चीज़ें इस टाइम इनकी लाइफ में भी काफ़ी थोड़ी सी यू नो सेटल डाउन नहीं है, आपकी भी नहीं है सेटल डाउन, तो इनको मिलने के बाद चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी आपकी भी और इनकी लव लाइफ में भी। देन वी हैव लिली, 30। इस पर्सन की एज 30, डेट ऑफ बर्थ 30 हो सकता है, के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, एल नेम के फर्स्ट लेटर हो सकता है, या फिर 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ नंबर 8, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 9, ओल्ड एज, मेचोरिटी, पीस, विर्चू, विस्टम, रिटायरमेंट। हो सकता है ये पर्सन और आपका एज डिफरेंस भी हो सकता है, अदरवाइज मुझे लगता है ये कोई गवर्नमेंट जॉब से हो सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोफेशन हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर से हो सकता है ये पर्सन, अदरवाइज ये पर्सन कोई गवर्नमेंट की हाई पोजीशन हो सकती है, हाई पोस्ट हो सकती है, और हो सकता है इनको रिटायरमेंट के बाद बहुत कुछ मिलेगा जहाँ से इनकी लाइफ टोटली सेट हो जाएगी। बट ऑब्वियसली ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल पर्सन है एंड काफ़ी मेच्योर मुझे दिख रहा है। लाइक हो सकता है इनकी एज भी इतनी ना हो, लेकिन ये पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर करके बहुत ज़्यादा इनकी एक मेच्योरिटी आ चुकी है इस पर्सन में, समझदार बहुत ज़्यादा ये पर्सन मुझे दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम डेफिनेटली इनकी नेचर में मुझे पीस भी दिख रहा है। यस, बट दिस पर्सन इज़ मेंटली मेच्योर और पीस आएगा आप लोगों की लाइफ में इनके आने के बाद, लेकिन कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी हो सकता है। हो सकता है ये 30 इयर्स के, आप 35 के हो सकते हो, या 30-35, 5-10 ईयर्स का, 8 ईयर्स का, कुछ ऐसा मुझे आप लोगों दोनों के दरमियान ना एज डिफरेंस दिख रहा है। यस, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, समथिंग लाइक दिस। नाउ लेट्स सी मोर, वी हैव अंडर वाटर रिलीम। इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, एंड डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है आप लोगों से डिस्टेंस पे है, मुझे लग रहा है आप लोगों से दूर है ये पर्सन इस टाइम। 25 इनकी अपनी एज या आपकी एज हो सकती है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। यस, अंडर वाटर रिलीम है। हो सकता है ये पर्सन किसी वाटर सी साइड पर रहता है या फिर वाटर के पास रहता है। इस पर्सन को वाटर हो सकता है काफ़ी पसंद हो सकता है, या फिर इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, डीपली इमोशनल। देन वी हैव अवेक 18। यस, इस पर्सन की आपको मिलने से पहले डेफिनेटली अवेकनिंग होगी और मुझे लगता है आपकी भी लाइफ में काफ़ी कुछ अवेकनिंग होगी इनसे मिलने से पहले। आपकी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे और ये भी अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे जहाँ से आप दोनों ही मेच्योर होगे, एंड दिस पर्सन इज स्पिरिचुअली एंड मेंटली अवेकन्ड। अवेकन की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार है, चाहे एज इस पर्सन की कुछ भी है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी मेच्योर, नॉट बाय एज बट बाय ब्रेन। या ये एनर्जी मुझे इनकी साइड से दिख रही है। नंबर 18 है एंड नंबर 9। नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। ये भी 9 है, ये भी 9 है, डबल मास्टर नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आप दोनों ही सिंगल होगे या मिलोगे इनसे। यस, और ये पर्सन का क्राउन चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है, किसी भी तरह से केयरलेस नहीं मुझे ये पर्सन दिख रहा। नो लेट्स सी मोर, आपसे मिलने से पहले इस पर्सन की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इनकी भी होगी और आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होगी या ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी होगी, उसके बाद आप मिलोगे। कुछ लोगों की साइड से दिख रहा है ये पर्सन और आप तब मिलोगे जब आपकी और इनकी दोनों की लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा पीरियड, कुछ लाइफ का बिग लेसन आप दोनों सीख रहे होगे, देन यू गाइज विल मीट विद ईच अदर। लेकिन कुछ लोग प्रोफेशन के थ्रू भी मुझे लग रहे हैं मिलते हुए। वी हैव लव लैंग्वेज फिजिकल टच। अ टेंडर टच मीन्स सो मच। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लविंग इनकी जो लैंग्वेज होगी और मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा टच करेंगे। लाइक इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा टच करने का शौक हो, या फिर इस पर्सन की लव लैंग्वेज ऐसी हो सकती है कि दूसरे को यू नो टच करके, कुछ लोगों को टच करके बात करने की होती है कुछ नेचर, तो मुझे दिख रहा है टच बहुत ज़्यादा करता होगा ये पर्सन फिजिकल, या फिर हो सकता है अपने हाथों से बहुत बात करने, या फिर अपने कोई ना कोई बॉडी का पार्ट जो है वो यू नो उस पर्सन का जो है वो हमेशा जो है किसी ना किसी तरह से मूवमेंट उनकी कोई चलती रहती है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट आपसे इनकी लव लैंग्वेज में बात होगी और मुझे लगता है फिजिकल टच ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा करेंगे। सेल्फ लव, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ये पर्सन अपने आप से पहले सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है। लाइक ऐसा पर्सन है जो खुद को प्यार करता है, लेकिन ऑब्वियसली जिस पर्सन के साथ इसका कोई लव कनेक्शन बनेगा उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। दैट्स व्हाई इट्स अ फिजिकल टच। इस पर्सन की लव लैंग्वेज है किस करना, टच करना, हग करना, यू नो
इस तरह से कुछ इंटीमेसी फील करवाना अपने पार्टनर को आपको ऐसे करवाएंगी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज कमिंग इन योर लव लाइफ। फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही ब्रेव है एंड मुझे लग रहा है कुछ इनकी नेचर में इम्पल्सिवनेस भी है। देन वी हैव द टावर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू किसी ना किसी तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे और ये पर्सन भी अपनी लाइफ में किसी केओस से गुजर रहे होंगे। यस, एरिस वेरी स्ट्रॉन्ग, नंबर 16, नंबर 7 एरिस स्टार साइन है। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वीरगो कैप्रिकॉर्न एंड देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू आपके दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। आई थिंक आप लोग दूर रहते हो एक दूसरे से और थ्रू ट्रैवलिंग आप मिल सकते हो या फिर हो सकता है ये पर्सन आउट ऑफ सिटी से या आउट ऑफ कंट्री से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर की एनर्जी मुझे दिख रही है। आप दोनों के मिलने के दरमियान कोई सी है या कुछ ऐसा वाटर है, चाहे वो बीच है या कुछ भी है, बट डेफिनेटली ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, दिस पर्सन इज़ अ वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन। कम्युनिकेशन स्किल्स इस पर्सन की बहुत अच्छी हैं, सेल्फ केयर करते हैं, सेल्फ लव करते हैं। दिस पर्सन इज़ अ वेरी लग्जीरियस पर्सन। इनकी लाइफ फाइनेंशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्टेबल है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। अपनी लाइफ में ये चीज़ों से काफ़ी डिस्ट्रक्शन मोड से गुजर चुके होंगे, जिसकी वजह से इनको दूसरे की वैल्यू का, दूसरे की तकलीफ का बहुत अच्छे से आइडिया होगा। लेकिन गाइज ये पर्सन आपको मिलेगा तब ही जब आप और ये पर्सन की लाइफ में कोई केओस या कोई डिस्ट्रक्शन चीज़ें चल रही होंगी, चीज़ें जो हैं वो यू नो फॉलिंग डाउन हो रही होंगी, तब आप दोनों मिलोगे। लेकिन मिलोगे दोनों सिंगल ही होगे जब आप मिलोगे। यस, थ्रू वर्क मुझे दिख रहा है आप लोग मिल सकते हो इस पर्सन से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। ये पर्सन का दिल चाहेगा कि बस फटाफट से आप लोगों के साथ जो है जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, इस पर्सन का कनेक्शन आपसे बने। और मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बात खुद करेगा। ये पर्सन एक्शन इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन मोड ऐसा चल रहा होगा कि ये जितनी जल्दी हो सकेंगे सेटल होने की कोशिश करना चाहता है ये पर्सन। 39, 37 इनकी अपनी एज भी हो सकती है। यस, एंड 20+ भी एज मुझे दिख रही है। 999 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आप बहुत जल्द मिलने वाले हो इनसे। हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की लाइफ में इस टाइम चल रही है, या बट ऑल्सो मुझे लग रहा है ये पर्सन इमोशनल तो है, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जिसकी वजह से शायद ये थोड़े से एग्रेसिव, थोड़े से ग्रम्पी हो चुके हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना इम्पल्सिव, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। बट ऑल्सो चिलिंग भी इनकी नेचर में है। यस, एंड मुझे लगता है विद इन 3 वीक्स ये पर्सन और आपकी मीटिंग भी हो सकती है, या एंड गाइस कुछ लोगों की साइड से मुझे दिख रहा है ये पर्सन वो है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, विद अ टावर एंड विद अ 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपका इनसे कनेक्शन खत्म हो चुका हुआ है, ठीक है। ये पर्सन आपको आई थिंक छोड़ चुके हैं या ब्रेकअप हो चुके हैं, आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन इस पर्सन की अवेकनिंग का इस टाइम प्रोसेस चल रहा है, जहाँ से ये आपके साथ दोबारा से बात करना चाहते हैं, प्लानिंग करें आपसे, आपको रीच आउट करने की, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं। पहले हो सकता है ये मेच्योर नहीं थे, इमेच्योर थे, दैट्स वाई आपसे ब्रेकअप करके चले गए, या फिर हो सकता है इनको कुछ वर्क पे ज़्यादा फोकस था। बट राइट नाउ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। यस, विद इन 3 वीक्स मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये जो भी आपके दरमियान चीज़ें ख़राब हुई हैं, ये पर्सन आपके बिना टोटली अपनी लाइफ में खुद भी सफ़र ही कर रहा है। यस, बट मोस्टली मुझे ये पर्सन ऑब्वियसली, आपकी लाइफ भी बुरी चल रही है, इनकी भी लाइफ बुरी चल रही है, दैट्स वाई आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सिंगल हो और मीटिंग करना चाह रहा है ये पर्सन आपसे। आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, ये पर्सन पास्ट से भी आ रहा है आपका। यस, या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू, बिकॉज इनको लगता है आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो और ये उसी वजह से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो गाइज आप लोगों ने अगर ये स्कल चूज़ किया है, चार्म स्कल चूज़ किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 11-20 में है, सो देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। विद द स्कल मुझे दिख रहा है इस टाइम ये पर्सन जो भी है, इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, या फिर होपफुली दिस इज़ द पर्सन जो कि शायद अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहता है, अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ों की रिबर्थ चाहता है, चेंजिंग करना चाहता है ये पर्सन। यस, एंड कुछ लोगों की साइड से विद अ स्कल मुझे दिख रहा है। होपफुली ये पर्सन वो हो सकता है जिसके साथ आपका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो चुका है या फिर आपका ब्रेकअप सीन चल रहा है और ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, विद अ स्कल रिबर्थ करना चाहता है ये पर्सन इस कनेक्शन की।
लेट्स सी फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी डेक कि इस पर्सन के स्टार साइंस क्या हो सकते हैं या क्या स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इनके बर्थ चार्ट में. वी हैव अर्थ, रेजिस्टेंस, पेशेंस एंड प्रैक्टिकलिटी. ये पर्सन का स्टार साइन टॉरस, वीरगो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है. यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस हो सकता है इनमें. दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल और जो चीज़ कहता है उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना उस चीज़ पे यू नो पक्का रहना, एक प्रोमिसिस ब्रेक ना करने वाला पर्सन. ये मुझे वो एनर्जी दिख रही है. अर्थ साइन, यस, ऐसे लग रहा है ये पर्सन अपने वादों का बहुत पक्का है. सब्र बहुत है इस पर्सन में, मतलब दिस पर्सन इज़ अ वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, बड़ी फिक्स ही एनर्जी है, ग्राउंडेड, फ्लेक्सिबल. यस, एंड देन वी हैव हाउस 7, प्रोफाउंड रिलेशनशिप, इंटीमेसी एंड रोमांटिक पार्टनरशिप. डेफिनेटली ये पर्सन रोमांटिक बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे 7 हाउस की बात हो रही है तो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स 7 हाउस का ही. 7 हाउस जो है वो रिलेशनशिप्स का कार्ड होता है, लव का कार्ड होता है, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी आपके साथ इंटीमेसी वाला कनेक्शन रहेगा एंड आई थिंक ये आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं. ये पर्सन आपके पास से है, कनेक्शन ख़त्म हो चुका है तो डेफिनेटली ये इंसान रिबर्थ चाहता है इस कनेक्शन की. एंड इफ दिस पर्सन इज़ अ न्यू तो ये अपनी लाइफ में अपनी हो सकता है काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं या इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनको ये चेंज करना चाहते हैं. हो सकता है काफ़ी टाइम से इस पर्सन की लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं आई, कोई स्टेबल रिलेशनशिप नहीं आई, रोमांटिक लव नहीं आया कुछ, तो ये रोमांटिक लव लाइफ बनाना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा लविंग कनेक्शन मुझे दिख रहा है. इट्स अ टू बर्ड्स, डेफिनेटली इट्स अ सोलमेट कनेक्शन. लेट्स मोर, वी हैव हाउस 4, के इस पर्सन का फर्स्ट लेटर हो सकता है. होम, फैमिली, वार्म्थ, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंफर्ट. डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा होम ओरिएंटेड है एंड यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है तो या ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने पे बिलीव करता है किसी भी तरह की. ये फैमिली बनाना चाहते हैं बेसिकली ये पर्सन. जो भी आपकी लव लाइफ में जो भी पर्सन आ रहा है वो एक स्टेबल कमिटमेंट लेकर आ रहा है, जैसे मैरिज की कमिटमेंट होती है ना वो, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ जो है ना उसमें कंफर्ट आए, एक फैमिली बन जाए. अब इस पर्सन की 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है. 4 नंबर आल्सो इज़ अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, तो ये जो भी पर्सन है ये स्टेबिलिटी चाहते हैं और आपके साथ अपना घर बनाना चाहते हैं. घर बनाना इन अ सेंस फैमिली बनाना चाहता है ये पर्सन, ताकि ये कम्फर्टेबली अपनी प्राइवेसी आपके साथ रखे और एक सिक्योर कनेक्शन में बेसिकली ये पर्सन आ जाए. देन वी हैव स्ट्रोक 17. 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है. इस पर्सन का फर्स्ट लेटर क्यू हो सकता है. चेंज, मूवमेंट, न्यू बिगनिंग्स, ट्रांजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन. मैंने आपको रीडिंग स्टार्ट करने से पहले क्या बताया, ये पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और चाहता भी है, तो डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ. दिस इज़ द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट जो कि पेशेंटली वेट कर रहा है कि किसी तरह से इनके साथ आपका कनेक्शन बन जाए. ये रोमांटिक रिलेशनशिप दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं पास्ट को पीछे छोड़ के. अदरवाइज़ कुछ लोग ये जिनकी लाइफ में न्यू पर्सन है उसका कोई पास्ट है जिसको पास्ट को ख़त्म करके छोड़ के वो अपनी लाइफ को एक न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट करना चाहता है ताकि उसकी लाइफ में चेंजिंग आए. फ्लेक्सिबिलिटी वो बेसिकली शो करना चाहता है ताकि वो एक फ्रीली फ्लाई कर सके ये पर्सन. 17 एंड 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए. यस, एंड आई थिंक ये पर्सन जो भी है ये मूवमेंट लेना चाह रहा है, बस इसकी लाइफ जो है वो चेंज हो, एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, एक सटल सा कनेक्शन बने स्ट्रॉन्ग. देन वी हैव इनिशिएशन. 29 इस पर्सन की एज, डेट ऑफ बर्थ 9+2=11. 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी. यह जी जो भी पर्सन है गाइस ये खुद एक्शन लेना चाहते हैं. ये मतलब एक होता है ना किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए खुद अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप अप करना, ये पर्सन वो करने के लिए रेडी है क्योंकि ये मूवमेंट लेना चाहता है अपनी लाइफ को. बस चाहता है कि ये पर्सन स्टार्ट हो जाए, चाहे ये पर्सन मेल है या फीमेल है, बस चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो, इनका न्यू लाइफ का चैप्टर स्टार्ट हो ताकि ये पर्सन शादी करें, अपना घर बनाए और इस पर्सन को सिक्योरिटी मिले और अपनी लाइफ को यू नो फोकस इस पर्सन का अपनी फैमिली की तरफ. देन वी हैव अननाउन 12. डेफिनेटली ये पर्सन जो भी है कुछ लोगों के लिए जिनका न्यू पर्सन है वो अननाउन है. आप लोग इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं जानते. यस, लेकिन ये पर्सन है फैमिली ओरिएंटेड. अदरवाइज जिन लोगों का ये पास से पर्सन है ये पर्सन आना चाहता है लेकिन इसको नहीं आइडिया कि ये पर्सन कैसा है, कैसे स्टेप अप ले, किस तरह से आए आप लोगों के पास, बिकॉज इनको लगता है शायद आपको आप नहीं जानते या फिर आप नहीं चाहते कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बने या फिर आपकी साइड की स्टोरी इनको नहीं कोई आइडिया कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में भी, या इनको लगता है कि आप बिल्कुल भी इस पर्सन की तरफ एक्शन नहीं लेने वाले, अब लेना है तो इसी ने लेना है.
नंबर 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है. इस पर्सन की एज 32, 31, 38 भी हो सकती है. यस, कुछ लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जिनकी लाइफ में ये न्यू पर्सन है कि ये कौन है, क्या एक्शन लेगा, कब लेगा, आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है. वी हैव बर्निंग डिजायर, फ्लेम्स ऑफ पैशन इग्नाइटेड. कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है. इस पर्सन के अंदर एक फायर है जो बर्न कर रही है इस पर्सन को, कि बस ये सिंगल रह कर थक चुका है और एक कनेक्शन में जाना चाहता है, लव कनेक्शन में, लव अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता है ये पर्सन, ताकि ये सेटल हो अपनी लाइफ में. देन वी हैव मटीरियल अटैचमेंट, टू मच फोकस ऑन विजिबल ट्रैपिंग. हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं. अगर ये फीमेल है तो डेफिनेटली ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में मेल चाहती है जो कि इसको लाइफ की हर लग्जरी दे सके, मनी हो उसके पास, एक यू नो काफ़ी हर चीज़ सेटल हो उसकी लाइफ में, किसी चीज़ की कमी ना हो. और अगर ये पर्सन मेल है तो आई फील लाइक डेफिनेटली ऐसी लेडी चाहता है जो कि अप टू डेट रहे हर फैशन से. उसकी लाइफ में ऑब्वियसली पैसा भी मैटर करे. यस, एंड ये मेल है तो इसको पता है कि ऐसी ही लेडी इसके साथ रह सकती है जो कि ये खुद भी सेटल है. तो वो जो लेडी होगी वो भी डेफिनेटली, उसको भी अपना यू नो सेल्फ केयर का ख्याल हो, और वो भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे कि लाइक मनी क्या है या हर चीज़ को वो समझने वाली हो. नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ. वी हैव डेथ, स्कल एंड डेथ. डेफिनेटली इट्स अ स्कॉर्पियो एनर्जी. वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एंड देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. कुछ लोगों की लाइफ में तो ये टोटली ब्रांड न्यू पर्सन है जो कि अपनी लाइफ की नई शुरुआत आपके साथ करना चाहता है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेथ एनर्जी, एंड इस पर्सन के बर्थ चार्ट में या फिर इस पर्सन का स्टार साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो. यस, ये अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहा है. जिन लोगों की लाइफ में ये न्यू पर्सन है, कभी कोई कनेक्शन नहीं रहा, काफ़ी इमोशनल हो रहा है ये पर्सन. स्टिल ये पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इनकी पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जिसकी वजह से इनसिक्योरिटीज हैं, या फिर ये पर्सन को कमिटमेंट में, स्टेबिलिटी में जाने के लिए थोड़ा सा इश्यूज हैं. लेकिन ये उन चीज़ों को ओवरकम करके अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ताकि इनकी लाइफ सिक्योर हो और इनकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर क्रिएट हो जिसको लेकर ये स्टेप अप लेना चाहते हैं. ये पर्सन ऐसे लग रहा है कोशिश करना चाहता है. और जिनकी लाइफ में ये पास्ट से पर्सन है, वो आपकी लाइफ में पास्ट को ख़त्म करके, पास्ट को छोड़ के एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज वो आपको भूल नहीं पा रहे. ठीक है, आपके दरमियान कोई ट्रस्ट इशूज थे, या फिर किसी तरह से इन्होंने इमोशंस आपको एक्सप्रेस नहीं किए थे. नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू कमिट विद यू, एंड ये पर्सन इस टाइम रिजिड हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर. ये किसी भी सूरत में आपको छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए ये न्यू आइडिया सोच रहे हैं, न्यू प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है. चाहे ये न्यू है या पास से पर्सन है, फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन को है. और कुछ लोग यहाँ पे जो ऑब्वियसली सिंगल हैं, तो उनको लाइक फिजिकल और सेक्सुअली उनके अंदर ये एक डिज़ायर हो रही है कि उनके साथ अब बस बहुत हो गया सिंगल रहना, अब बस किसी रिलेशनशिप में जाना चाहिए जिसे शादी करो और अपनी ज़िंदगी जो है पूरा फोकस्ड उस पर लगाओ. ये एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है बहुत इमोशनल हो रहा है और अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है बहुत अच्छे वे में, कि इसने आगे कैसे अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है, एक लव कैसे लेकर आना है इस पर्सन ने अपनी लाइफ में. कुछ लोगों को तो आइडिया नहीं है, लेकिन वो कोशिश करना चाहते हैं कि पहले मतलब स्टेप अप तो लो, बेबी स्टेप ही लो, लेकिन कोशिश तो कुछ करो, स्टक होके ना रहो. या इस पर्सन का स्टार साइन स्कॉर्पियो है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, पाइसिस एंड कैंसर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड एडिस लियो सैजिटेरियस स्टार साइंस भी यहाँ पे मौजूद है. एंड इस पर्सन की एज नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नंबर 13, 4, 444 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है. ये भी 1+3=4, ये भी 4 है, एंड ये कार्ड भी 4 का था. तो डेफिनेटली ये स्टेबल चाहते हैं कनेक्शन अपनी लाइफ में. एंड नंबर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. यस, एरिस लियो सैजिटेरियस भी यहाँ पे स्टार साइन है. सो या, दिस इज योर रीडिंग, होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर. मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो ग्रुप 3, सो गाइज अगर आप लोगों ने ये की चूज़ की है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 21-31 है, तो देख लेते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में. इट्स अ की, तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन आपकी लव लाइफ में आ रहा है, आपके पास इसके दिल की चाबी है. आप इस पर्सन का हार्ट जो है वो ओपन कर सकते हो. यू गाइज हैव अ पावर एंड अबिलिटी टू ओपन दिस पर्सन हार्ट.
काफ़ी क्लोज है इस पर्सन का दिल, तो ये वेट कर रहा है किसी तरह से इसकी जो है ना दिल ओपन हो जाए, इस पर्सन की लाइफ में जो है वो लव आए। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एस्ट्रोलॉजी कार्ड से कि कौन से इस पर्सन की बर्थ चार्ट में स्टार साइंस स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स सी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वी हैव कार्डिनियल, इट्स अ इंस्टिगेशन, ब्रेवरी एंड अ पॉइंटिंग स्पिरिट। ओके, इट्स अ कार्डिनियल, तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा ब्रेव है। इट्स अ फ्लेम, इस पर्सन का स्टार साइन एरिस लियो सैगिटेरियस भी हो सकता है, या बल्कि एरिस लियो सैगिटेरियस ही मुझे दिख रहा है इस पर्सन का स्टार साइन। बेसिकली दिस पर्सन इज़ अ वेरी ब्रेव, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन में एक स्पिरिट है, एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना, इस पर्सन की नेचर में ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी भी पर्सन को इजीली इंस्टिगेट कर सकता है, किसी भी पर्सन को इजीली यू नो उस किसी को ऐसी बात कर देनी कि वो उसको वो आग लग जाए। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की नेचर में मुझे दिख रही है। या डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी ब्रेव बाय द वे, या लेकिन काफ़ी अथॉरिटेटिव, काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है इस पर्सन की नेचर में। लेट्स सी मोर, वी हैव एक्वेरियस, ओरिजिनैलिटी, वी हैव फिलैंथ्रोपी एंड प्रोग्रेसिव इमेजिनेशन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करने वाला है, बहुत ही ड्रीम्स देखने वाले, क्योंकि एक्वेरियस होते ही ऐसे हैं। उनकी मतलब ख्वाबों ख्यालों की दुनिया ही उनकी होती है, लाइक बहुत ही ज़्यादा इमेजिन करने वाले ये लोग होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, बट एट द सेम टाइम इनकी नेचर में कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जो कि एक बहुत ही मिस्ट्री देता है। यस, तो ये जो भी पर्सन है इसका स्टार साइन एक्वेरियस हो सकता है, अदरवाइज इट्स अ स्ट्रॉन्ग एरिस लियो सैगिटेरियस एनर्जी। या ये पर्सन फार्मेसी से हो सकता है, कुछ लोग बाय प्रोफेशन डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कुछ लोग लॉयर जज या फिर लॉ एंड ऑर्डर से हो सकते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा हाई पोस्ट हो सकती है, कुछ लोग मिलिट्री से आर्मी पुलिस से हो सकते हैं। यस, सो लेट्स सी मोर, वी हैव हार्ट 24, इस पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट हो सकता है, लाइक जे जॉन, या 24 एज, डेट ऑफ बर्थ नंबर 6 डेट ऑफ बर्थ, या 6 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। वी हैव हार्ट, लव, रोमांस, गिविंग, इन्फेक्चुएशन, अफेक्शन एंड कोर। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही गिविंग इस पर्सन की नेचर है, ये पर्सन को इजीली, मैंने आपको क्या बोला था स्टार्ट से कि ये पर्सन के दिल की चाबी आपके पास है, डेफिनेटली ये हार्ट है और इसको पता है कि इसका हार्ट आप ओपन कर सकते हैं, और ये पर्सन ओपन करना चाहता है अपना हार्ट आपकी तरफ। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग, वेरी रोमांटिक, ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो है वो रोमांस स्टार्ट हो, अफेक्शन, डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अफेक्शन होगी गाइस, इन्फेक्चुएशन की एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली इनको काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ इन्फेक्चुएशन होगी, एक अट्रैक्शन होगी, वट एवर फिजिकल और यू नो सेक्चुअल। देन वी हैव डॉग, 18, नंबर 18, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 और 1 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्रेंडशिप, अलाइज, लॉयलिटी, ट्रस्टवर्दी, सपोर्ट एंड ओबीडियंस। ये पर्सन बहुत लॉयल है, ये पर्सन के पास हो सकता है एज अ पैट डॉग हो सकते हैं या डॉग लवर हो सकते हैं, अदरवाइज दिस पर्सन इज़ वेरी फ्रेंडली, काफ़ी लॉयल है, ट्रस्टवर्दी, आप इजीली इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, सपोर्टिव बहुत ज़्यादा है और ओबीडियंस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ऐसा पर्सन है जो आपका कहा मानने का भी, चाहे ये पर्सन एरिस लियो सैगिटेरियस की एनर्जी है, लेकिन आपको लेकर आप कोई दिल से ये पर्सन रिस्पेक्ट करेगा, दिल से आपकी मानेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, ये दिल से आपको ये पर्सन चाहेगा, चाहे दुनिया वालों के सामने ये पर्सन कितना ही यू नो पावरफुल है, लेकिन आपके सामने ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऐसे है सब कुछ सरेंडर कर देने वाला। यस, इजीली आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों का हो सकता है ऑलरेडी आपकी इस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप है, आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं ये जो आपको चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपकी तरफ अपना हार्ट ओपन करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है आपके दिल की, उनके दिल की चाबी आपके पास है, या आपके साथ डेफिनेटली मुझे लगता है अलाइज के साथ की ये पर्सन आपकी किसी ना किसी तरह से आपके फ्रेंडशिप सर्कल में से है, ऑलरेडी आप फ्रेंड भी हो सकते हो इस पर्सन के। नाउ लेट्स सी मोर, वी हैव सेलिब्रेशन, 40 एज हो सकती है इनकी या आपकी, नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो ये जो भी पर्सन है गाइज डेफिनेटली ये चाहते हैं सेलिब्रेशन आपके साथ इस कनेक्शन में, क्योंकि ये पर्सन आ ही रहा है एज अ
कमिटमेंट्स देने हैं आपको, लाइक ये पर्सन या तो मैरिज की कमिटमेंट देगा या फिर ये पर्सन आपको डायरेक्ट इंगेजमेंट की कमिटमेंट देगा, क्योंकि आपकी लाइफ को सेलिब्रेट ये पर्सन चाहता है, आपके साथ इस पर्सन की लाइफ सेलिब्रेट हो. एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल, इट्स अ इवेंट, मार्की लगी हुई है और इवेंट हो रहा है. मतलब दिस पर्सन ही वांट अनाउंस टू देयर फैमिली और फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड्स और कम्युनिटी कि ये पर्सन आप मतलब उनको मिल गए हो, उनकी लाइफ में लव आ चुका है और आप बस ये पर्सन कंप्लीट हो गया. देन वी हैव बियॉन्ड फेयर, येस, बट ये सब चीज़ें जो है इस पर्सन को अपना फेयर ख़त्म करके करनी है. 36 एज हो सकती है एंड नंबर 9 है, ये भी 9 है, नहीं ये भी 9 है, डबल 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है. एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग, वेरी ब्यूटीफुल. कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोगों का ब्यूटी सलोन हो सकता है या ब्यूटी फील्ड से हो सकते हैं, कुछ लोग ड्रेस डिज़ाइनर हो सकते हैं, आर्टिस्टिस हो सकते हैं, समथिंग लाइक दिस. कुछ लोग हो सकता है ज्वेलरी की शॉप हो सकती है या फिर ज्वेलरी मेक करते हैं, लाइक ज्वेलर्स जिसको बोलते हैं, वो मुझे एनर्जी भी दिख रही है. बट ये जो भी है, जो भी कुछ करना है इस पर्सन को, फेयरलेसली करना है. इट्स टोटली अ रिस्क बेस्ड सिचुएशन, डर के आगे जीत है, इस पर्सन को रिस्क लेना है, तभी सेलिब्रेशन होगी. जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज़ अ स्काई डाइवर, या फिर स्काई डाइविंग करना इस पर्सन को बहुत पसंद है, रिस्क लेना बहुत पसंद हो सकता है, अदरवाइज ये पर्सन स्काई डाइवर हो सकता है. यस, यहाँ पर स्काई डाइवर में कुछ होती है ना, वहाँ पे उधर कुछ जॉब हो सकती है इस पर्सन की, स्पेशली मे बी दिस पर्सन इज़ फ्रॉम दुबई. लेट्स सी मोर, इसको साइड पे करते हैं, इसको लास्ट पे देखते हैं टैरो को. फर्स्ट वी विल सी द रोमांटिक. वी हैव हीलिंग कनेक्शन, योर रोमांस विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये पर्सन हीलिंग लेकर आएगा और आपका इनके साथ कनेक्शन बहुत हीलिंग होगा. मतलब दिस पर्सन रियली gives you a love, attention, loyalty, romance, तो काफ़ी आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, रोमांस लेकर आएंगे आपकी लाइफ में. अगर आपकी लाइफ में अभी तक रोमांस नहीं है तो आपको हीलिंग देगा. बेसिकली यू गाइज विल डेफिनेटली फील पीस, लाइटर. देन वी हैव टीज, मैंने क्या बोला है वहाँ पे, पहले ही मैंने बोला है कहाँ से, यहाँ से इंस्टिगेशन की एनर्जी है. यहाँ तो ये पर्सन ईजीली खुद भी भड़क जाता है, मतलब भड़कना इन अ सेंस कि इनको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है. अदरवाइज़ ये अपनी कुछ ना कुछ इनके अंदर ऐसी नेचर है कि दूसरों को कुछ ऐसी बात करनी है, मैंने बोला ना आग लग जाती, तो टीज़ की एनर्जी है. हो सकता है आपको भी टीज़ कर सकते हैं ये, लेकिन आप लोगों को शायद वो चीज़ ना बुरी लगे. बट मुझे लगता है इस पर्सन की नेचर के अंदर है दूसरों को टीज़ करना या फिर आपको स्पेशली टीज़ करना. द एनर्जी इज़ फन एंड लाइट हार्टेड बट अनसर्टन. डेफिनेटली कभी कभी आपको टीज कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा एज अ फन आपको टीज करना, तंग करना, यू नो, मजाक में ही चाहे करना, लेकिन हो सकता है आपको वो चीज़ काफ़ी समटाइम्स अच्छी भी लग सकती है और समटाइम्स आप उस चीज़ से काफ़ी इरिटेट भी हो सकते हो. बट या जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रोमांटिक नहीं होना चाहते हैं, आप उस पोजिशन नहीं हो मतलब रोमांस करने की, या फिर आपका वो मूड नहीं है रोमांटिक होने का, या इस तरह बिजी हो आप किसी चीज़ में, तो ये पर्सन आपसे रोमांस करना स्टार्ट कर देंगे. तो वो आपको चीज़ें काफ़ी अनसर्टन लगेंगी कि मतलब आप उस टाइम आपका मूड नहीं होगा, तो समथिंग वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको तंग मतलब उनकी साइड से हो सकती है. लेट्स सी फ्रॉम द टैरो. वी हैव एस ऑफ कप्स, इट्स बेसिकली ग्रुप 3 इज वेरी मज़ेदार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करके. ग्रुप 2 भी अच्छा था, 1 भी था, बट 3 वाला ज़्यादा मज़े का है, इसकी बड़ी बूस्ट अप करने वाली एनर्जी है. वी हैव एस ऑफ कप्स, इट्स अ कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो नंबर 1. देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, इट्स दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल. 3 ऑफ कप्स कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो. वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वीर्गो कैप्रिकॉन एंड वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस. कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन दिख रहा है, मे बी ये पर्सन किसी ब्रेकअप से निकल के आएंगे आपकी तरफ. यस, हो सकता है ये पर्सन का ऑलरेडी कोई ब्रेकअप हुआ होगा जहाँ से पेनफुल एंडिंग हुई होगी, उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे और स्टेबल ऑफर लेकर आएंगे. आपकी लाइफ में न्यू ऑब्वियसली लव स्टार्ट होगा. एंड अगर आप लोग इस टाइम सिंगल हो टोटली, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो भी है आपकी लाइफ में लव लेकर आएगा. सेलिब्रेशन, अगेन सेलिब्रेशन की एनर्जी है. मुझे लग रहा है आप लोगों की ये पर्सन जो है आपके फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल में से है, या तो आपका फ्रेंड है या फिर आपके फ्रेंड्स का फ्रेंड है, कम्युनिटी में ही आप मिले हो इनसे या फिर किसी इवेंट में मिले हो. अदरवाइज कुछ लोग हो सकता है होपफुली यहाँ पे किसी इवेंट में, वेडिंग में, किसी तरह की ऐसी इवेंट में आपकी इनसे मीटिंग भी हो सकती है. कुछ लोगों की साइड से मुझे ये वो पर्सन दिख रहा है जिसके साथ आपका पास था, आपका ब्रेकअप हो चुका है. हो सकता है ये ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से इनका दिल काफ़ी दुखी है और अभी ये सेलिब्रेशन चाहते हैं आप लोगों के साथ. यू रीयूनियन करना चाहता है ये पर्सन,
और रीयूनियन में ये डेफिनेटली आप लोगों की तरफ कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है इनका दिल जो है वो आपके जाने के बाद बंद हो चुका है, बंद इन सेंस के क्लोज हो चुका है. आप इस पर्सन के हार्ट को इमोशनली ओपन कर सकते हो, बिकॉज विद द एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी तरफ स्टेबल ऑफर लेकर आना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं ताकि इनकी लाइफ में आपके साथ लव स्टार्ट हो सके. इट्स अ वेरी फ्रेश न्यू बिगिनिंग. ये फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि ये अपने पास्ट के गिल्ट को, पास्ट की उस पेन को रिलीज करना चाहते हैं. कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है इस टाइम ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, या फिर आप लोग ब्रेकअप हो चुका है आपका, लेकिन ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं. लव ऑफर एक न्यू आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं. दिस पर्सनली वांट टू गिव यू अ प्रपोजल, मैरिज और लव कमिटमेंट प्रपोजल, क्योंकि आना चाहता है ये पर्सन. 33 एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है इस पर्सन की. अदरवाइज कुछ लोगों के लिए नंबर 5, 14 या 35 ये नंबर्स भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. 35 एज भी हो सकती है इस पर्सन की. या इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी. बट ये जो भी पर्सन है रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं इफ दिस पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट, क्योंकि ये पर्सन पास्ट से दिख रहा है. ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, उनको लगता है कि आपके साथ एक हीलिंग कनेक्शन है. आपके बिना ये पर्सन काफ़ी दुखी है, बट इनको लगता है शायद आप इस पर्सन से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर चुके हो, लेकिन ये डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे. दैट्स वाई आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है आप लोगों के साथ. यस, और आपके जाने के बाद इनको बेसिकली लॉयलिटी की समझ आई है. या सो दिस इज योर रीडिंग. आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर. मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय.